हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मदर्स डे स्पेशल वॉल डेकोरेशन। एक्चुअली बहुत ही सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया है कि पेपर से ही मदर्स डे के लिए वॉल डेकोरेशन कैसे बनाई जाए जो बहुत ही प्यारी लुक में बने। तो एक्चुअली मैंने ये कार्डबोर्ड कट किया है हार्ट शेप में, इस पर मैं वाइट कलर का ये पेपर पेस्ट कर दे रही हूँ। तो इस पेपर को कट करके इसमें एडजस्ट कर दूँगी। एक्चुअली इतना रह गया था तो इसमें ये वाला पेपर पेस्ट कर दूँगी। तो फाइनली पूरा कवर हो गया है इसे इस तरह से कट्स लगाकर। पीछे की तरफ फेविकॉल लगा के मूव कर दूंगी अच्छे से। तो फाइनली ये अच्छा सा हार्ट बन के रेडी है। इस पर हैंग करने के लिए ये ऊन वगैरह जो कुछ, एक्चुअली मुझे धागा भी नहीं मिला तो लेट हो रहा था बहुत बनाने को, तो मैंने सोचा चलो कुछ भी ले लो। तो ये पेपर से मैं कुछ स्ट्रिप्स कट करूँगी इसमें हैंग करने के लिए। तो मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाऊं ये मैं सोच रही थी, बट पेपर से किस तरह से बनाऊं तो सही से आइडिया नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने इस तरह की वॉल डेकोरेशन बनाने के लिए कुछ पेपर्स कट किए। ये हार्ट थोड़ा छोटा कर लूँगी इसे, वाइट रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसे मैंने इस हार्ट पर इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो इस तरह के कुछ 5 हार्ट्स कट कर लेंगे। एक्चुअली मदर्स डे के लिए स्पेशल वॉल डेकोरेशन बनाना तो बनता था, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। एक्चुअली आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, कुछ नया कुछ प्यारा सा बनाएं अपनी मदर्स के लिए। तो इस तरह से इन्हें सभी को इस तरह से इसे स्ट्रिप में पेस्ट कर दूंगी हैंग करने के लिए। एक्चुअली इतनी सारी डेकोरेशंस बनाते बनाते ये लगता है कि अब किस तरह की बनाऊँ वॉल डेकोरेशन जो एक नए लुक में आए। तो ये आइडिया मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एक्चुअली फाइनल बन जाने के बाद इसका लुक इतना प्यारा लग रहा था जो आप देखिएगा। तो इन्हें वन बाय वन करके इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो एक्स्ट्रा स्टेप्स को कट कर लूँगी। तो ये तो अभी रेडी है। अभी मैं कुछ रेड पेपर से कुछ सर्कल शेप कट कर रही हूँ उसे रोज़ फ्लावर बनाने के लिए। इसे इस तरह से कट कर लूँगी। एक्चुअली बहुत ही इजी है बनाना, तो आप भी एक बार ट्राई करें। तो इसे रोल रोल करके इस तरह से रोज़ फ्लावर बना लूँगी। तो इसे फेविकॉल से एडजस्ट कर दूँगी। एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स बनाने पड़े मुझे, तो इन सभी फ्लावर्स को फेविकॉल की मदद से चारों ओर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी, एक हार्ट की तरह बन जाए रेड वाइट में। तो फाइनली ये फ्लावर्स तो मैंने एडजस्ट कर दिए। अभी मैं कुछ वाइट कलर से आई मतलब लेटर्स कट कर रही हूँ। आई एल ओ वी ई इस तरह के लेटर्स मैंने इसे कट किए हैं। एंड मदर एम ओ एम भी मैंने इसी तरह से पेपर से कट किया है, मॉम। तो इन्हें आप इजीली कट कर सकती हैं। एक्चुअली हर जगह पर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पेपर से ही अच्छे से बना सकती हैं आप सिर्फ पेपर से, इसमें कलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली
कलर और पेपर इतना सारा कौन खरीदता है? तो इस तरह के मैंने जितने भी लेटर्स कट किए हैं ये आपको दिखा के मैंने कट किए हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करना। एक्चुअली इसमें एक गलती क्या मैंने की है जो आप खुद ढूंढ के बताइएगा। एक्चुअली दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें गलती क्या की थी। तो ये मोम इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी, आई एल और ओ वी, इसमें ई रख दूंगी, ठीक है। इस तरह से ये देखिए इसका फाइनल लुक, अपनी मदर्स के लिए बनाना ज़रूर। तो कैसा लगा आपको लुक, पसंद आए तो लाइक करना।